हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं देवांश क्रिकेट कीड़ा के एक नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे। दोस्त, जैसे कि आप लोग हमारे वीडियोस देखते हो, एंजॉय करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, आप लोग को बताना चाहूंगा कि अब आप हमारी क्रिकेट की एनालिसिस सिर्फ देख नहीं सकते, पढ़ भी सकते हो। आपको cricketcrowd.in पर जाना है और वहां पे आप जाके क्रिकेट की सारी लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज पढ़ सकते हो, लाइव स्कोर देख सकते हो, बॉल बाय बॉल कमेंट्री देख सकते हो और साथ ही साथ अपकमिंग इंटरनेशनल मैचेस का शेड्यूल भी देख सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, जो हमारे ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है उस पर जाना है और आप वहां पर जाके साइट को ब्राउज कर सकते हैं और खैर उससे जुड़े रहिए और क्रिकेट की सारी अपडेट्स आप पढ़ भी सकते हैं, जो कि रोज की रोज आती है, क्योंकि यूट्यूब वीडियो के जरिए हम आपसे डेली तो मिल नहीं पाते हैं, पर खैर उस बहाने ही सही मुलाकात तो हो ही जाएगी। तो खैर बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जैसे ही T20 विश्व कप करीब आता जा रहा है, टीम इंडिया में कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है, चाहे वो टॉप ऑर्डर हो, चाहे वो मिडिल ऑर्डर हो, चाहे वो स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट हो या फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट हो। खैर हर खिलाड़ी को ऐसा लगता है कि IPL एक आखिरी ऐसा मौका होगा जिससे वो टीम इंडिया में वापसी कर सकते हैं। हमारा ये वीडियो इसी के ऊपर है। इस वीडियो में हम आपको उन तीन खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे जिनके लिए ये IPL आखिरी मौका होगा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करने का, साथ ही साथ T20 विश्व कप तक खेलने का। तो खैर बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और आपको बताते हैं उन तीन खिलाड़ियों के बारे में। तो दोस्तों, तीसरे नंबर पे ऐसा नाम है जो भारतीय टीम से बहुत समय से जुड़ा है, पर अभी भी देखा जाए तो उसकी टीम में जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है, वो खेलता है कभी नहीं खेलता। आप लोग सही समझ रहे हैं, केदार जाधव उनका नाम है। पिछले 3 से 4 सालों में केदार जाधव भारतीय लिमिटेड ओवर सेटअप का एक अहम हिस्सा है, पर हम ये देख सकते हैं उनको किसी मैच में खिलाते हैं, किसी मैच में नहीं खिलाते हैं, कभी उनको ड्रॉप कर देते हैं, कभी उनको इंजरी भी हो जाती है और कभी कभी टीम बैलेंस की वजह से उनको अपनी प्लेस सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। और केदार जाधव की अगर हम बात करें तो उन्होंने अभी तक ऐसी कोई खराब परफॉर्मेंस नहीं की जिससे कि उनको ड्रॉप किया जाए, और शायद यही कारण है कि अभी वो टीम से जुड़े हैं। देखिए, आप ऑस्ट्रेलिया सीरीज में मौका नहीं मिला तभी वो न्यूजीलैंड के टूर पे भेजे गए हैं और हमको ऐसा लगता है कि जब भी उनको मौका मिलेगा तो वो अच्छी परफॉर्मेंस जरूर देंगे। केदार जाधव एक नेचुरल स्ट्रोक प्लेयर है, एक अच्छे फिनिशर है और उनकी उम्र भी 34 साल है, तो 2-3 साल का क्रिकेट तो उनमें रह ही सकता है। बैट्समैन 37 साल तक आप इजिली खेल सकते हो और एक प्रूवन खिलाड़ी है, मतलब फर्स्ट क्लास का मजा हुआ है खिलाड़ी है, पर टीम बैलेंस के चलते इसको अपनी प्लेस सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। पर खैर रही बात T20 विश्व कप की, तो ये एक IPL उनके लिए आखिरी ऐसा मौका होगा जिसमें वो खुद को साबित करते हैं। केदार जाधव चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का अहम हिस्सा है और अगर उसमें वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हैं तो ये तो तय है कि उनकी जगह T20 विश्व कप में आराम से बन सकती है। मतलब टीम मैनेजमेंट उनको ODI टीम में ले लेता है पर T20 स्क्वाड में भी उनका नाम नहीं आता है, और हमको ये देख के बहुत आश्चर्य होता है कि इतना अच्छा नेचुरल स्ट्रोक प्लेयर है तो वो T20 टीम में क्यों नहीं। थोड़ा सा फील्डिंग का इश्यूज है, पर खैर अगर उनकी एज अ बैट्समैन अगर हम उनसे एक्सपेक्ट करें तो उन्होंने एज अ बैट्समैन हमें कभी निराश भी नहीं किया है, और नंबर 6-7 पे वो तेज तर्रार रन भी बना देते हैं और अगर कोई बॉलर का किसी बॉलर का ऑफ डे है तो वो 2-3 ओवर भी करवा सकते हैं और लाइक पार्टनरशिप भी ब्रेक कर सकते हैं। मतलब विलियमसन, रूट, स्मिथ सबको दोनों ने आउट किया, तो मतलब केदार जाधव में ऐसी कोई खामी नहीं है, पर खैर IPL में उनको प्रूव करना पड़ेगा और ये IPL आखिरी मौका होगा उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बने रहने का या वापसी करने का और T20 स्क्वाड में और T20 वर्ल्ड कप में जाने का, क्योंकि फिलहाल जिस तरह उनको टीम मैनेजमेंट डील कर रहा है 1-2 टूर से ज़्यादा टीम के साथ वो टिक नहीं पाएंगे। बढ़ते हैं दूसरे ऐसे खिलाड़ी की तरफ। जी हाँ दोस्तों, दूसरा ऐसे खिलाड़ी का नाम है सुरेश रैना। आज से 5-6 साल पहले ये खिलाड़ी भारतीय टीम का बड़ा नाम हुआ करता था और इन्होंने काफी वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन भी दिए हैं, कुछ 10-12 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 200 के ऊपर वनडे भी खेले हैं। तो सुरेश रैना एक ODI क्रिकेट का एक प्रूवन खिलाड़ी है और पुराना चावल है, हम ये कह सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी के समय में वो भारतीय टीम के मुख्य बल्लेबाज हुआ करते थे, 4-5-6 पे खेला करते थे, स्पिन बॉलिंग के ओवर निकालते, तो खैर उनमें खास बात तो है ही, पर बेसिकली अभी पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं वो प्रॉपर ड्रॉप चल रहे हैं, उनको मौका भी नहीं मिल रहा है और कहीं ना कहीं सुरेश रैना देखा जाए तो वो रणजी ट्रॉफी भी नहीं खेल रहे हैं, तो इसके माने उनका सारा फोकस सिर्फ T20 क्रिकेट है, सिर्फ वो IPL खेलते हैं और उन्होंने अभी रिसेंटली स्टेटमेंट दिया है कि वो IPL के जरिए टीम इंडिया में वापसी करना चाहेंगे और उनको ऐसा लगता है कि टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर में अभी एक्सपीरियंस की कमी है। हालांकि श्रेयस अय्यर और मनीष पांडे अच्छे फॉर्म में हमको दिख रहे हैं,
पर तब भी सुरेश रैना का इस तरह अपनी जगह पे क्लेम करना, हम ये कह सकते हैं कि उनके पास एक आउटसाइड चांस है। मतलब उनका आईपीएल बहुत ही आउटस्टैंडिंग जाता है, अगर 500-600 रन बना देते हैं उसके बाद कुछ इंग्लैंड टीम भारत आएगी, ऑस्ट्रेलिया जाना है तो उसमें कुछ परफॉर्मेंस दे देते हैं तो कहीं ना कहीं उनका T20 वर्ल्ड कप में जगह बन सकती है। पर आईपीएल एक ऐसी चीज है जिसमें उनको आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करनी होगी और कहीं ना कहीं अभी टीम में, अभी करंट इंडियन T20 सेटअप में एक इशू है कि कोई भी बैट्समैन बॉलिंग नहीं करता, तो सुरेश रैना बॉलिंग करते तो उनके पास ये एज है कि वो आईपीएल में सिर्फ बैटिंग से रन भी ना बनाए बल्कि बॉलिंग भी अच्छी करें, क्रूशल ब्रेक थ्रूज दें, थोड़ा अपना बॉलिंग पर भी काम करें। तो ये उनके लिए बेसिकली उनके लिए ये एक फंडा हो सकता है भारतीय टीम में वापसी करने। जो मैं तीसरा जो पहला नाम मैं लेने जा रहा हूँ, जो ऐसा खिलाड़ी है जिसको आईपीएल जिसके लिए आखिरी मौका होगा वापसी करने का, वो और कोई नहीं, हम सबके फेवरेट भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान और लेजेंड महेंद्र सिंह धोनी थलाइवा। जी हाँ दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी करंटली सेबेटिकल लीव पे हैं और उनका वर्ल्ड कप विश्व कप 2019 के सेमीफाइनल के बाद से हम उनको भारतीय टीम ब्लू जर्सी में देख ही नहीं पाए। तो खैर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान अभी भी सब भारतीय फैंस के मन में है कि क्या महेंद्र सिंह धोनी को अब हम कभी देख पाएंगे। तो कुछ 15-20 दिन पहले रवि शास्त्री ने बयान दिया था कि महेंद्र सिंह धोनी का ODI करियर तो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है और उस पर जल्दी संन्यास ले चुकेंगे। अगर कि उनको T20 विश्व कप खेलना है, अब अगले 2 साल में 2 टीम वर्ल्ड कप्स हैं T20, लाइक 2000 अक्टूबर नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में है और 2021 मार्च अप्रैल में इंडिया में है, तो उसमें से उनको किसी एक वर्ल्ड कप पे भी खेलना है तो उनको आईपीएल में ढेर सारे रन बनाने पड़ेंगे, अपनी फॉर्म फिटनेस प्रूव करनी पड़ेगी, 39 साल की उम्र हो रही है तो कहीं ना कहीं उनको वहां भी प्रूव करना पड़ेगा और उनको ये दिखाना होगा कि अभी भी उनमें वो स्टेमिना है, वो फिनिश कर सकते हैं, वो टीम को मैच जिता सकते हैं और कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट को उनकी जरूरत है ये भी उनको दिखाना होगा, एक नीड क्रिएट करनी पड़ेगी इंडियन क्रिकेट को। फिलहाल ऋषभ पंत है, KL राहुल अच्छी कीपिंग कर रहे हैं, संजू सैमसन का अच्छा बैकअप है, बट कहीं ना कहीं स्टंप्स के पीछे एक्सपीरियंस तो मिसिंग है ही है, ये हम सब जानते हैं और महेंद्र सिंह धोनी को अपनी ये वैल्यू दिखानी होगी तभी उनकी वापसी हो सकती है। और मुझे लगता है कि कोहली उनको काफी पसंद करते क्योंकि कोहली को ग्रूम करने में स्टार्टिंग में उनके करियर में महेंद्र सिंह धोनी का हाथ है, तो अगर कि महेंद्र सिंह धोनी रन मारते हैं, परफॉर्म करते हैं तो वाकई में उनकी वापसी दूर नहीं है और मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा चांसेस किसी इन 3 खिलाड़ियों में टीम इंडिया में वापसी करने की है तो वो थलाइवा महेंद्र सिंह धोनी की। तो खैर दोस्तों, ये 3 वो खिलाड़ी थे जिनके लिए आईपीएल आखिरी मौका होगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करने का और इस साल के T20 विश्व कप खेलने का। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट्स के जरिए अपना वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए और हाँ, इसको फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करना तो एकदम मत भूलना। साथ ही साथ क्रिकेट की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए क्रिकेट कीड़ा को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, क्रिकेट कीड़ा का फेसबुक हैंडल जाओ, लाइक करो, फॉलो करो, वहाँ पे डेली टॉक शो होता है आप वो एंजॉय करो। क्रिकेट कीड़ा डॉट इन साइट पर जाओ, इसका लिंक मैं नीचे दिए दे रहा हूँ, वहाँ पे आप जाके लाइव स्पोर्ट्स कमेंट्री शेड्यूल्स रैंकिंग्स लेटेस्ट न्यूज सब कुछ देख सकते हो। बाकी हम तो आपको डेली बताने के लिए आते ही। खैर मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।